हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं उठ चुकी हूँ और सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब बना दिया है, और मेरे लिए भी मैंने कॉफ़ी के लिए दूध गर्म करके ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है, क्योंकि एकदम गर्म गर्म मैं नहीं पीती हूँ। इसलिए मैंने कुछ दिनों से जो कि घर पे खसखस बन रही है, उससे एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी खसखस खाती हूँ मुझे पूरा दिन सर दर्द करता है। फिर मैंने खसखस एक दो दिनों से नहीं पी रही हूँ मैं खसखस, क्योंकि मुझे ये चीज़ नोटिस हो गई थी कि खसखस पीने से ही मुझे सिर दर्द होता है, मैं पूरा दिन फिर परेशान होती हूँ। तो मैंने कहा यार ऐसे पीनी ही क्यों, परेशान होना इससे बढ़िया। ये मेरी कॉफ़ी आ गई है, अब कॉफ़ी पी लेती हूँ और थोड़ी देर चिल करूँगी एंड फिर वापस से घर के काम। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी जा रही हूँ सैलून पे, क्योंकि आज मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल से लड़कियाँ हेयरकट सीखने आने वाली हैं, तो वहाँ जाकर अब क्या पता वो लोग परमिशन दे या फिर ना दे, पर देखूँगी अगर शूट कर पाई तो बताऊँगी। आज उनको एक हेयरकट सिखाना है लड़कियों को आने वाली है, और उनका सैलून का विज़िट है आई थिंक, कुछ इस टाइप का कुछ शिविर वगैरह चल रहा है, क्या पता जो भी होगा कन्फर्म करके मैं बताऊँगी। ये सारी गर्ल्स को आज हम हेयर कट सिखाने वाले हैं, तो अभी इनका हेयर कट होगा और इनके हेयर्स अभी हेयर कट होंगे। अभी इनके हेयर्स को हम अच्छे से वॉश करेंगे एंड और सबको देखना है ना, क्योंकि हेयर मैं जो हेयर वॉश करवा रही हूँ उसके प्रॉपर सब स्टेप्स हैं। वह पूरे बालों को भिगा देना है, शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट बालों पर नहीं लगाना है, हाथों में एक बार अच्छे से इमल्सीफाई करके फिर लगाना है, ताकि थोड़ा सा वॉर्म हो जाए शैम्पू, डायरेक्टली हेयर्स में जाके हमारे बालों को डैमेज ना करे। पूरी तरीके से बालों में शैम्पू निकल गया, ये हमको चेक करना है। कैसे चेक करना है, ऐसे बालों को हल्का सा ऐसे टाइटली करते करते पीछे आएंगे, तो अगर थोड़े से भी जाग बन जाएंगे तो अपन को लगेगा कि शैम्पू रह रहा है, अगर कुछ भी नहीं है तो बाल अच्छे से वॉश हो चुके हैं। और बालों को देखकर ही हमको पता चल जाएगा कि बालों की कंडीशन कैसी है, अगर बाल यानी ज़्यादा डैमेज है दो बार शैम्पू करना है, और ज़्यादा गंदे नहीं है और डैमेज नहीं है तो एक ही बार शैम्पू करना है। तो टॉवल ड्राई कर देंगे थोड़े से बालों को, कुछ भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हो। बालों में ऑयल नहीं करती हो बेटी, किस खुशी में, बाल पूरे ख़राब हो गए। कौन सा हेयर कट मैं तुमको बताने वाली हूँ, हेयर कट मैं बताऊँगी लेयर कट। लेयर कट में पीछे से भी सेम मिडल सेक्शनिंग होगी। पीछे सेक्शनिंग करने से पहले हमको चेक करना है कि इनके बाल कितने स्प्लिटेंड से बालों में, यानी कितने दो मुँह बाल, दो मुँह बाल जो भी हैं हमको वो निकाल देना, क्योंकि कोई भी हेयर कटिंग अगर दो मुँह बालों के साथ करेंगे तो कोई भी हेयर कटिंग अच्छी नहीं लगेगी बालों। नीचे से बालों में स्प्लिटेंड्स निकालने के लिए थ्री सेक्शन होते हैं, 1 2। ऐसे फिंगर में बालों को दबा के फिर हमको थोड़ी सी अनइवननेस दिखती है तो इसको स्ट्रेट कट मार दो, और फिर बालों को थोड़ा सा ज़्यादा उठा के इतने तक पकड़ना, फिर बालों की चॉपिंग करनी है। अभी तुमको रफली दिख रहा होगा बाल ऐसे 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 आ रहे हैं। अब इसको हम सेम यही प्रोसेस इस तरफ करेंगे और फिर बालों को स्ट्रेट ब्लू ड्राई करेंगे एक बार। आया जो भी बताया वो सब? हाँ। अब अभी कटिंग करा कर लोगे? आया समझ में? गर्ल्स सीख कर चली गई हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और जो चीज़ें मैंने समझाई वो सब कुछ उनको पता चली, और मुझे यानी एज अ गेस्ट टीचर इन्होंने अपॉइंट किया था, क्योंकि अगर थ्योरिकल तो इनकी मैम इनको पढ़ा देते हैं, पर ये जो प्रैक्टिकली था उनको सैलून में आके सिखाना था, और बहुत सारे यानी इनको सैलून वगैरह की नॉलेज वगैरह देनी थी। तो कल वापस आएंगी ये सारी गर्ल्स, कल उनको दूसरे हेयर कट बताएंगे, एक दिन मेकअप वगैरह सब है, तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगा, सारी लड़कियाँ काफ़ी खुश थी। यही चाहिए, अपन ने अच्छे से उनको टीच कर लिया, उनको आ गया। बस अब मैं जा रही हूँ घर पर, खाना वगैरह बना देती हूँ और फिर वापस से आऊँगी। खाना वगैरह सब हो गया है और अभी मैं वापस से जा रही हूँ शॉप पर। खाने में बनाया था मक्की की रोटी और कड़ी। फ़ौरन पे आ गया कस्टमर और अपन को जाना है। अरे यार ऐसे क्या कर रहे हैं?
बेटे नहीं होने की वजह से अच्छे से ब्लो ड्राई नहीं हो पाए, फिर कैसे करके जुगाड़ करके हल्का सा ब्लो ड्राई किया है बालों को, हेयर कटिंग कर दी है, लाइटें इतनी बदमाश हैं, जैसे ही कस्टमर गए जैसे करके ब्लो ड्राई किया और फिर लाइट्स आई है कस्टमर जाने के बाद। तो अभी मैंने ये पीच नेल पेंट मेरे पैरों पर लगाई है और अभी मैं थोड़ा सा और इसको डिफरेंट लुक देने के लिए मिस कॉस की ये सिल्वर नेल पेंट लगा रही हूँ, ग्लिटरी नेल पेंट है ये, तो ये ऐसे ऐसे लगा रही हूँ ऊपर ऊपर। अच्छी लग रही है यार, अच्छी लग रही है, पैरों में नेल पेंट लग गई है। बहुत टाइम बाद आज पैरों के शेड्स मैंने चेंज किए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिल्वर पीच टाइप का, और ग्लिटरी नेल पेंट लगाई है पैर पे। जल्दी कब से कह रही थी ग्लिटरी ट्राई करो, ग्लिटरी ट्राई करो, तो आज मैंने ग्लिटरी नेल पेंट लगाई है। और आज पूरा दिन हम सैलून पे बिजी थे इसलिए कुछ ज़्यादा आज काम हो नहीं पाया है, और बस पैरों से सॉक्स निकाले, अब जैसे ही नेल पेंट सूखती है। अभी लग रही थी मुझे भूख तो मैंने मंगवाए हैं ये कुरकुरे खाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, चीज़ वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ना इसलिए। और दो चीज़ें और हैं, एक ये डॉट आइस, ये चिकू के हेयर्स, आज स्मूथिंग करेंगे हम अभी, तो अभी इनके बालों को किया जा रहा है वॉश, लेट्स गो। हम मैं आ गई हूँ आगे वाले शॉप पर और पीछे शॉप मंगल कर दिए, चिकू के बाल स्मूथिंग नहीं किए क्योंकि लेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही थी, सिर्फ टेम्परेरी बना के दे दी है। अभी हो रही है वीडियो एक एडिट और अभी साथ में हम खा रहे हैं खाना, और खाने में आज बनाया है बिल्कुल सिंपल खाना, कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया है। वेज पुलाव बनाने की कोशिश थी पर वेज पुलाव और खिचड़ी दोनों मिक्स बना दी है ताकि थोड़ा तीखा हो जाएगा और खाने में मज़ा आएगा। साथ में है ये पापड़ और घी डाल दिया है फुल। अभी मैं और चिकू यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खा लेंगे, काफ़ी लेट भी हो गए आज, क्या बनाएं मूड सोचते सोचते बहुत टाइम हो गया, 9 बजे आज खाना खा रहे हैं, और मैंने क्या थोड़ा नाश्ता और यूँ भी कर लिया था इसलिए मुझे इतनी भूख नहीं लग रही थी। खाना वगैरह सब खा लिया है और अब यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।